Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल Biz Analyst के साथ। नमस्ते, मैं अविचल दुबे। न्यूज तक को आप नए रंग रूप में देख रहे हैं, लेकिन रौनक वही है, एक्सप्लेन करने का तरीका वही है जिसे आप लगातार पसंद करते आ रहे हैं। Zomato एक ऐप, एक एग्रीगेटर, एक ऐसी व्यवस्था जिसको लेकर इस समय देश भर में काफ़ी ज़्यादा प्रचलन तेज है। Zomato के साथ साथ और भी कई सारे ऐप हैं जो एग्रीगेशन के साथ आपके घर तक खाना पहुंचाते हैं, और Zomato को लेकर कई सारी कंट्रोवर्सीज भी सामने आती रहती हैं। लेकिन अब एक बड़ी खबर Zomato की तरफ से आई है। Zomato के जो CEO हैं और को फाउंडर हैं दीपेंद्र गोयल, उन्होंने घोषणा करी है। उन्होंने कहा है कि अब Zomato इंस्टेंट वो लॉन्च करेंगे और अगले महीने से इस पायलट प्रोजेक्ट पर गुड़गांव के 4 स्टेशनों से काम शुरू हो जाएगा। अभी Zomato इंस्टेंट क्या है, तो Zomato इंस्टेंट आप समझ लीजिए, जैसा कि नाम से भी क्लियर हो रहा है कि त्वरित, तुरंत, तो 10 मिनट के अंदर आपको खाना डिलीवर कर दिया जाएगा। ये वाकई एक बड़ी खबर है, और ये एक चौंकाने वाली बात भी है कि 10 मिनट के अंदर हमने कुछ ऑर्डर किया, शायद हम अपनी किचन में भी जाकर वो खाना ना बना पाएँ और आपको खाना मिल जाएगा। तो इसको लेकर कई सारे सवाल भी उठे, ट्विटर पर कई सारे सवाल किए गए कि कैसे संभव हो पाएगा, सेफ्टी इसमें क्या कंप्लीट हो पाएगी, क्या क्वालिटी मेंटेन हो पाएगी। तो दीपेंद्र गोयल ने 2 बार इस बात को क्लियर किया कि सेफ्टी क्वालिटी, यानी कि सेफ्टी जो लेकर आ रहा है खाना, वो तेज़ी से ना आए जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाए, तो उसकी सेफ्टी भी रहेगी, खाने की क्वालिटी भी रहेगी, गर्म खाना रहेगा, और इसके साथ साथ जो Zomato का स्टैंडर्ड है वो भी मेंटेन रहेगा। इसको उन्होंने क्लियर किया है। दीपेंद्र गोयल ने इस बात को भी साफ किया कि अभी तक पूरी दुनिया में कहीं भी इस प्रोजेक्ट पर काम नहीं किया गया है कि 10 मिनट में आपको खाना मिल जाए, 10 मिनट में कहीं भी आपको इंस्टेंट डिलीवरी नहीं की गई है। अब तक जो 30 मिनट का जो प्रचलन है, चाहे वो Zomato के साथ हो चाहे दूसरे ऐप के ज़रिए से हो, वो अभी तो काफ़ी प्रचलित है, लेकिन धीरे धीरे वो पॉपुलैरिटी में धीमा पड़ जाएगा। और जो ये व्यवस्था है, इसको देखते हुए हमें समझ में आता है कि तुरंत किसी भी व्यक्ति को इसमें डिलीवरी चाहिए। दीपेंद्र गोयल ने इस बात की घोषणा करते हुए कहा कि ग्राहक अपनी ज़रूरत के लिए तेज़ी से जवाब मांग रहे हैं और वो योजना बनाना चाहते हैं कि वो प्रतीक्षा नहीं करें, मतलब कि खाने की प्रतीक्षा नहीं करें, उनको तुरंत खाना मिलना चाहिए, इसके लिए हम भी काम कर रहे हैं। अब ज़रा Zomato की कहानी समझ लेते हैं और दीपेंद्र गोयल की भी कहानी समझ लेते हैं। पहले दीपेंद्र गोयल की कहानी समझते हैं कि कैसे उन्होंने एक Zomato ऐप को इतना बड़ा बना दिया कि आज वो शेयर मार्केट में भी एक लिस्टिंग के साथ अच्छे से रन कर रहा है। इसके साथ साथ जो एक घाटे की कंपनी थी, उनको उन्होंने दोबारा से रिवाइव किया है। दीपेंद्र गोयल की बात करें तो दीपेंद्र गोयल शुरुआत से इतने तेज और शार्प नहीं थे। 6वीं और 11वीं में वो 2 बार फेल हुए, मतलब 6वीं में फेल हुए और 11वीं में फेल हुए, लेकिन 11वीं में वो सीरियस हो गए, और सीरियस इतने हुए पढ़ाई को लेकर कि IIT का एग्ज़ाम क्रैक कर दिया। IIT का एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद वो IIT दिल्ली पहुँचे, और साल 2006 था जब उनको पहली नौकरी मिली, एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करने लगे। वो साल 2008 था जब एक दिन काम करते हुए कैंटीन में ऑर्डर दिया और देरी में आने पर वो चिढ़ गए। देखा दूसरे लोग भी लंबी कतारों में लगे हैं, और यहीं से उन्हें नया आइडिया आया। सोचने लगे कि कैसे इस दिक्कत को हल किया जाए। क्या किया, कैंटीन का मेन्यू स्कैन करके कंपनी में काम करने वाले साथियों को भेज दिया और कहा कि आप पहले ही ऑर्डर दे दो, जिससे आपका समय बचेगा और जो लाइन लगने वाली बात है उससे भी आप निजात पा जाओगे। लोगों को ये आइडिया खूब पसंद आया कि उनका टाइम भी सेव हो रहा है और वो परेशान भी नहीं हो रहे हैं। यही वक्त था जब Zomato की पहली कहानी शुरू हुई। 2008 में IIT के अपने दोस्त पंकज चड्ढा के साथ फूडी वे वेबसाइट बनाई। दरअसल उन्होंने Zomato बाद में बनाया, पहले वेबसाइट बनाई जिसका नाम था फूडी वे। फूडी वे क्या करती, फूडी वे आसपास के रेस्टोरेंट के मेन्यू को स्कैन करके फूडी वे नाम की वेबसाइट पर डाल देती, जो उनकी खुद की वेबसाइट थी। लोग फूडी वे पर जाते और वहां पर ऑर्डर दे देते, जिससे किसी भी व्यक्ति को रेस्टोरेंट के बारे में जानकारी मिल जाती, उसके मेन्यू पता चल जाते और वो ऑर्डर देकर खाना मंगा लेते। अब से 12 साल पहले 2010 में Zomato की शुरुआत हुई। Zomato के एक ऐप ने कंपनी की कहानी बदल दी, यानी कि फूडी वे अब हो गई Zomato। अब जरा Zomato के बारे में समझते हैं कि
बीते 10-12 सालों में जितना बड़ा परिवर्तन जोमेटो ने किया है उसमें एक बड़ा परिवर्तन अगर मैं आपको बताऊं तो जुलाई 2021 में जब वो IPO लेके आया यानी कि शेयर मार्केट में लिस्ट हो गया तो काफ़ी बड़ा यूनिकॉर्न उसे देखा जाने लगा और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पैसा भी इकट्ठा किया उसके ज़रिए। लेकिन इस सब के बीच में काफ़ी सारे हर्डल्स आए। हर्डल्स क्या क्या आए और जोमेटो कैसे कंपनी बनी ये भी समझ लीजिए। तो 2010 में जब कंपनी शुरू हुई तो उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता कि अब ये एक तरह से वेबसाइट के रूप में तो चल नहीं पाएगी। तो उनका परिवर्तन आया वो ऐप के ज़रिए आया। ऐप के ज़रिए वो एक एग्रीगेटर बन गए यानी कि रेस्टोरेंट और जो ग्राहक है उसके बीच की कड़ी। ग्राहक जो भी ऑर्डर करना चाहता वो रेस्टोरेंट में नहीं जाता, सीधे जोमेटो पर जाता और वहाँ से ऑर्डर कर लेता। देश भर के हज़ारों रेस्टोरेंट से संपर्क किया और उनके मेन्यू उन्होंने अवेलेबल कराना शुरू कर दिया अपने ऐप पर। जोमेटो एक स्टार्टअप, एक एग्रीगेटर, एक फूड डिलीवरी ऐप और एक बड़ा यूनिकॉर्न बन गया। जोमेटो के साथ अभी देश में करीब 15 लाख रेस्टोरेंट एक्टिव सर्विस में रजिस्टर्ड हैं। 24 देशों में उसकी सर्विस है और 10,000 से ज़्यादा देशों में काम फैल चुका है। बिजनेस इतना बड़ा है कि 5,000 से ज़्यादा कर्मचारी जोमेटो में काम करते हैं। बीते बरस 50 करोड़ से ज़्यादा ऑनलाइन ऑर्डर डिलीवर कर चुका है जोमेटो। करीब 80,000 करोड़ की मार्केट वैल्यू हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि जोमेटो को दिक्कतें नहीं आई, दिक्कतें बहुत आई। दिक्कतें इतनी आई कि 2020-21 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें 2600 करोड़ का खाना जोमेटो के ज़रिए बिका और उनको 2400 करोड़ का नुकसान हुआ। अब 200 करोड़ में इतनी बड़ी कंपनी रन करना उनके लिए घाटे का सौदा रहा। इसलिए जोमेटो IPO लेकर आया और अपने घाटे को बराबर करने के लिए, बेहतर करने के लिए, कंपनी के लिए सुधार के लिए व्यवस्थाएँ शुरू कर दी। जोमेटो के जो IPO ने यानी कि शुरुआती शेयर्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया। बीच में डामाडोल स्थिति भी आई लेकिन अभी की जो स्थिति है उसमें जोमेटो एक बड़ा यूनिकॉर्न ऐप, एक एग्रीगेटर, एक सर्विस है जिसमें लगातार तब्दीलियां हो रही हैं। घाटे की जो बड़ी वजह है उसमें कोरोना भी एक बड़ी वजह है और दूसरी बड़ी वजह है जो साथ में बड़ी कंपनियां कंपटीशन में, जैसे स्विगी एक बड़ी कंपनी है जो उनके कंपटीशन में, इसके साथ साथ बहुत लोकलाइज कंपनियां भी अब कंपटीशन में आ गई हैं। ज़्यादातर रेस्टोरेंट के खुद के ऐप हो गए हैं लेकिन जोमेटो लगातार तब्दीलियां कर रहा है, बदलाव कर रहा है कि कैसे भी कैसे मार्केट में वो एक बड़ा स्टेटस बनाए रखे और उसके लिए अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करे। इसलिए जोमेटो इंस्टेंट लॉन्च कर रहा है यानी कि 10 मिनट में आपके घर पर खाना पहुंच जाएगा। सर्विस कैसी होगी, कैसा उसका रिस्पॉन्स होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन हाँ परिवर्तन तो बड़ा है।